Hello everyone, I'm Rakhi and in this video I'm going to explain you the solution regarding question number 2 which is on page number 49, chapter number 4, class 9, structure of atom, NCERT. So, dekhte hain question kya hai? Question hai, on the basis of Rutherford's model of an atom, which subatomic particle is present in the nucleus of an atom? Very simple. The subatomic particle which is present in the nucleus of the atom. Nucleus, ऐसा कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है? तो आंसर है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन. पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. एक और चीज मैं आपको बता दूं कि नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम, जितना भी मास है एटम का, इट रिजाइड्स, वो प्रेजेंट होता है किसमें? न्यूक्लियस ऑफ द एटम. सो ऑल द मास ऑफ एटम रिसाइड्स, रिसाइड्स का मतलब रहता है, जितना भी, तो कहने का मतलब है कि जितना भी मास होता है एटम का वो कहाँ होता है? इट इज इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. सो ऑल द मास ऑफ एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इटसेल्फ. फाइन, ये बात भी अब ध्यान रखिएगा. बाकी रदरफोर्ड मॉडल क्या है, किस तरह से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि न्यूक्लियस के अंदर जो सबएटॉमिक पार्टिकल है वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटोन है, वगैरह वगैरह, जो भी उसके ड्रॉबैक्स हैं, जो भी उसका एक्सपेरिमेंट है, जो भी उसकी थ्योरी है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो रिगार्डिंग दैट, रदरफोर्ड्स मॉडल, थॉमसन मॉडल. ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. अभी के लिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है इट इज पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, और जितना भी एटम का मास होता है वो सारा का सारा न्यूक्लियस के अंदर होता है. ठीक है, सो ऑल द मास ऑफ द एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. Okay, so this was all about this session, and it is me, Rakhi, signing out for now. Take care and goodbye.